बाजार में निराशा का माहौल है, शेयर बाजार में उथल पुथल मची हुई है। इस बीच मोदी सरकार ने अब राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है, जिसका असर अब शेयर बाजार में भी देखने को मिला और सप्ताह के कारोबार के अंतिम दिन सेंसेक्स 228 और निफ्टी 88 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। आज सुबह सेंसेक्स 90 अंकों की गिरावट के साथ 36,388 अंक पर खुला। थोड़ी देर में ये 380 अंकों से भी ज्यादा अंक फिसलते हुए दिन के निचले स्तर 36,102 अंक पर पहुंच गया। शुरुआती सत्र में सेंसेक्स लाल निशान में ही बना रहा, लेकिन फिर इस बात के संकेत मिले कि सरकार उद्योगों को मंदी से उबारने के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है, जिससे बाजार को सहारा मिला और सेंसेक्स जल्द ही लाल से हरे निशान पर पहुंच गया। इस दौरान सेंसेक्स दिन के उच्च स्तर 36,807 अंक से होते हुए कल के मुकाबले 228 अंकों की मजबूती के साथ 36,473 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 22 कंपनियां हरे और 8 लाल निशान पर बंद हुई। सेंसेक्स में 3 सेक्टरों को छोड़ बाकी सेक्टरों में आज तेजी देखी गई। सबसे ज्यादा गिरावट FMCG में 0.83% की रही, जबकि धातु सेक्टर में सबसे ज्यादा 3.95% की तेजी रही। सेंसेक्स की तरह निफ्टी भी लाल निशान पर खुला। निफ्टी 42 अंकों की गिरावट के साथ 10,700 अंक पर खुला और जल्द ही दिन के निचले स्तर 10,637 अंक पर पहुँच गया। बाद में ये 10,663 अंक के दिन के उच्च स्तर तक पहुंचा और फिर कल के मुकाबले 88 अंकों की तेजी के साथ 10,829 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में शामिल 50 कंपनियों में से 41 हरे निशान में और 9 लाल निशान में रहे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।